जय माई की। बंधुओं, आज आज का जो विषय है वो भैरव जी के ऊपर है। जैसे आप दर्शन कर रहे हैं हमारी माई का, माँ बगलामुखी पीतांबरा, कई लोगों के प्रश्न होता है कि भैरव जी का क्या महत्व है। तो भैरव जी का वही महत्व है, जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में अगर नमक ना हो तो वह भोजन सुस्वादु नहीं होता है। अगर आप देवी की साधना करना चाहते हो, देवी के मार्ग में अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो जब तक भैरव की साधना आप नहीं करते हो, तब तक आप देवी की साधना नहीं कर सकते हो। एक द्वार है, एक चाबी है, जिसे की बोलते हैं। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश करना चाहते हो, अगर उस ताले की चाबी नहीं है, तो वह नामुमकिन है कि आप उसमें प्रवेश कर पाओ। भैरव का पूजन अति आवश्यक है, और हर देवी के अलग अलग भैरव होते हैं। आठ भैरव हैं, अशितांग भैरव, रुरु भैरव, काल भैरव, श्रृंगार भैरव, नमत्त भैरव, बटुक भैरव और महामृत्युंजय भैरव। तो माँ पीतांबरा बगलामुखी के बटुक भैरव हैं। अगर आप माँ बगलामुखी की साधना में अग्रसर होना चाहती हो, तो पहले आपको भैरव जी को खुश करना होगा उनके जाप से। जब देखे होंगे कि जब क्रमिक दीक्षा होती है, तो भैरव का भी मंत्र आपको प्रदान किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो गण है, ये द्वारपाल है, पहले ये प्रसन्न हो। जब आप किसी प्रधानमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ आप जाते हो, तो पहले एंट्री करवाते हो आप। पहले वहाँ द्वारपाल होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। जब तक वो आज्ञा नहीं देते, तब तक आप अंदर नहीं मिल सकते उन नेताओं से। एक मैंने उदाहरण दिया कि किसी तरह अगर आप भगवती की साधना में अग्रसर होना चाहते हो, तो पहले आपको भैरव जी को प्रसन्न करना होगा। प्रसन्न कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं बंधुओं उनके जाप से। उनकी जो पूजन की प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उनका जो प्रसाद है, ये तीन तरह के, चाहे नींबू को आप काट करके भैरव को बलि दें, या तीखे पदार्थों का भोग लगाएं। कई जो बाम मार्गी साधना में भैरव जी को शराब इत्यादि चढ़ाते हैं, सिगरेट इत्यादि चढ़ाते हैं, उससे भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं। कई पकौड़ी इत्यादि का भोग लगाते हैं, और मालपुआ इत्यादि का भैरव जी को बहुत पसंद है, इत्यादि का भोग लगाते हैं। इसके उपरांत उनका विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, और जो उनका मंत्र है, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उस मंत्र का आप जप करें। जब इन प्रक्रियाओं को आप कर लेते हो, तो भैरव जी अति प्रसन्न होते हैं। भैरव जी प्रसन्न होंगे तो आपको निरोग बना देंगे, भगवती के करीब आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। अगर भैरव प्रसन्न नहीं हुए, अगर आप ऐसे ही सीधे भगवती की साधना में प्रविष्ट हो गए, आपके मार्ग में बंधु बहुत कठिनाई आएगी। आपका मन उच्चाटित हो जाएगा, आपका मन स्त्रियों की तरफ ज़्यादा जाएगा, गलत मार्ग की ओर जाएगा, आप साधना कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आपके यहाँ दर्द बना रहेगा, कहीं ना कहीं कलह हो जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा, उच्चाटित मन हो जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। भैरव की कृपा देवी की साधना में अति आवश्यक है। जब तक भैरव की कृपा नहीं होगी, तब तक आप देवी की साधना में, भगवती की साधना में अग्रसर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये इसलिए बताना जरूरी समझा कि अगर आप देवी की साधना आप करना चाहते हो, तो पहले बटुक भैरव का विधिवत पूजन करें, उपासना करें, और फिर जाकर के भगवती की साधना करें। जय माई की।